लाइट बहुत स्ट्रांग है तेरा यार। ये तो लाइट बंद करना। स्टेडियम लाइट है सर। यार सेंटर। आओ सर, आओ सर वहाँ से। आओ सर। उधर का एक लाइट कम हो गया। है मियाँ। आओ सर। आओ सर। आओ सर। आओ सर। सर वर्दी। सर एक लाइट आप ही सर। आओ सर। मैं मियाँ। मैं। थैंक यू। थैंक्स। हाउ लॉन्ग इज द बाइट? एक मिनट, दो मिनट, फाइव मिनट्स? ओके ठीक है, चलो तीन मिनट का कर अगर हो सकता है तो। जी, सो पहला महत्व था कि ये जो दो दुनिया है, आर्ट्स की और स्पोर्ट्स की, आर्ट्स का इतना सोचते इतने बड़े प्राइसेज, ये ऑक्शन गैलरीज वगैरह वगैरह, तो स्पोर्ट्स का क्यों नहीं? हम विदेश जाते, इतने म्यूजियम्स में जाते, स्पोर्टिंग म्यूजियम्स हैं वहाँ। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो डॉन ब्रैडमैन के म्यूजियम है, इंग्लैंड में जाओ तो लॉर्ड्स का इतना बढ़िया म्यूजियम है, कहाँ पर भी जाओ विदेश में, उनका एक ये ऐतिहासिक रूप में उन लोग अपना जो मेमोरेबिलिया जैसे कहते हैं वो संभाल के रखते हैं, या तो म्यूजियम्स में, प्राइवेट कलेक्शन में। इंडिया में जैसे हमारी आर्ट की जो कल्चर थी जो 90s में और अर्ली 2000s में बढ़ती गई, तो लगा कि अब टाइम आ गया कि हमारे हम स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ करें। और किसी को तो वो वहाँ विकेट पे जाना था ये खेल खेलने के लिए कि भाई हाँ आओ यार आप भी बैटिंग करो। तो मैं चाहता हूँ कि और भी ऑक्शन हाउसेज और भी कलेक्टर्स इसमें ये चीज़ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि है ये खूबियत है इसमें कि स्पोर्ट्स का जो अपना इतिहास है, और सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, अब आप देखो तो बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी, चेस है अपने खिलाड़ी, इतने सारे खिलाड़ी है, तो उनका कौन संभालने वाला है, उनको कौन मुकाम पे डालेगा? तो एक शुरुआत है, ये तीसरा ऑक्शन है, दो पहले कर चुके हैं लेकिन ये हमारे इंडिपेंडेंट नेम में है, तो इसीलिए हमने सोचा कि अब टाइम आ गया कि कोई ना कोई तो किसी को करना पड़ेगा, लीड लेना पड़ेगा। तो आज बेसिकली मेनली तो जैसे हिस्टोरिक रूप में लेट 1800s में डब्ल्यू जी ग्रे जो फाउंडर माने जाते हैं, क्रिकेट के फादर माने जाते हैं, उनके आइटम्स है। फिर कुंवर रणजीत सिंह जी तो नवानगर के जो राजा थे, जो कभी इंडिया नहीं आए लेकिन विदेश में रहते थे, उनके आइटम्स है, हैंड साइन बहुत रेयर। फिर जैसे वो जो पर्सनालिटीज़ थे वो अपने टाइम के बहुत मशहूर पर्सनालिटीज़ थे क्रिकेट के, आजकल के ज़माने में देखो तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का यूज्ड आइटम जो उन्होंने मैच में इस्तेमाल किया है, वर्ल्ड कप में इस्तेमाल किया है सचिन ने, वो है। फिर मिडिल इनिंग्स में आप देखो जैसे मैं कहता हूँ एरापल्ली प्रसन्ना का जैकेट, कैप, ये बहुत रेयर आइटम्स है, ये हाथ में नहीं आते पकड़ में जो हम बेच सकते, या वो क्रिकेटर्स अपने आप अपने इमोशनल रीज़न के लिए रखते हैं। तो ये है थोड़े थोड़े बहुत, वैसे तो काफ़ी आइटम्स है जो
और भी है जिनका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा लोगों को। स्कोप अच्छा है क्योंकि क्रिकेट के बाद हमारे पास जैसे विश्वनाथन आनंद का चेस बोर्ड है, आज मेरी कॉम के ग्लव्स है, आज कबड्डी जो मंजीत चिल्लर दीपक हुडा की जर्सी जो वर्ल्ड कप का जर्सी वो है, माइकल शूमाकर जो विदेशी उनका है सिग्नेचर सचिन का, जब उनका मुलाकात हुई थी जब सचिन और माइकल शूमाकर की भी। अब सैड पार्ट ये है कि माइकल शूमाकर शायद सिग्नेचर दे नहीं पाए नेक्स्ट टाइम क्योंकि वो उनकी स्थिति हालत इतनी बुरी है। तो ये चीज़ें हैं। और तो अपने इंडिया के लिए बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स भी हैं जो अब हम के जैसे पी वी सिंधु साइना नेहवाल के बैडमिंटन के या लियांडर पेस महेश भूपति की जुगल बंगदी के अगर जूते मिले विंबलडन के, वो सब चीज़ें हम ला सकते हैं लाइमलाइट में, अब टाइम है उसका। बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि नई चीज़ है, नई चीज़ मार्केट को भी समझाने को तकलीफ़ है और जो बेचने वाला है उसको भी समझाने में तकलीफ़ आती है। लेकिन फिर जैसे खास दोस्त है राहुल बोस वगैरह जिन्होंने ये चैरिटी के लिए किया है, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने जो उनके आइटम थे उनके पोजेशन में वो तो खुशी देने के लिए तैयार थे, तो है सपोर्ट वैसे। और विराट कोहली ने जैसे सपोर्ट किया पर्सनली, युवराज सिंह ने पर्सनली सपोर्ट किया है। तो अभी नए जो युवा क्रिकेटर्स हैं, युवा खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं इसकी मेहनत कितनी लगती है और क्यों कर रहे हैं, क्या महत्व है, वो उनको महसूस आ रहा है और वो बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, थैंक्स। हाँ जी देखिए, एक ये एक नई तरकीब है फंड रेजिंग का, एक नया किस्म का एक मेथड है। स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शंस बहुत कम हुआ करते थे, फिर मेरे फाउंडेशन ने 3 ऑक्शंस रखे, दिग्विजय ने और काठियावाड़ फाउंडेशन ने अभी तक 4 ऑक्शन शायद रखे हैं। और इससे एक ये एक नया ट्रेंड निकल रहा है कि लोगों को अब महसूस हो रहा है कि स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया कैन ऑल्सो बी वैल्यूबल, और ये तब वैल्यूबल होता है जब एक देश में स्पोर्टिंग ट्रेडिशन होता है। मिसाल के तौर पे इस ऑक्शन में कबड्डी के पीसेज हैं। अब कबड्डी के पीसेज 2 साल पहले हमको दिखाई नहीं देते थे किसी स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शन में, लेकिन इस बार कबड्डी के पीसेज इसलिए हैं क्योंकि कबड्डी इज़ नाउ बिकम अ नेशनली टेलीवाइज स्पोर्ट। और मेरे हिसाब से इट्स अ इंटरेस्टिंग पीस क्योंकि 10 साल बाद शायद आपको आप कहें कि यार जब कबड्डी पहले सालों में बड़ा हो रहा था यहाँ पे तो मेमोरेबिलिया कहाँ पे था। सो आई थिंक दैट ये जो मेमोरेबिलिया का एक किस्सा है, मिसाल के तौर पे 1960-70 के इंडियन टेस्ट क्रिकेटर्स के पास मेमोरेबिलिया है ही नहीं, लेकिन अगर ये स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शन कल्चर हुआ करता था उस वक्त, देन ऑल दो स्टाफ वुड हैव बीन देयर। It's a piece of history, it's a piece of the past, it's a piece of sporting legacy, and we should not let that go. I believe very strongly in the legacy of sport. मेरे ख्याल से स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया और ऐसे ऑक्शंस का स्कोप बहुत बड़ा है। अभी अभी ये एक रास्ता बना है, गली की चौड़ाई है, लेकिन एक दिन हाईवे की चौड़ाई पे ज़रूर पहुंच सकता है क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स इतने बढ़ रहे हैं ऑन द नेशनल कॉन्शियसनेस। पहले सिर्फ क्रिकेट था, अब क्रिकेट है, अब फुटबॉल है, अब हॉकी है, अब बास्केटबॉल है, अब हमारे पास बैडमिंटन लीग भी है, कबड्डी, रेसलिंग। तो जैसे जैसे इनके लीग्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनके प्लेयर्स मशहूर हो गए, उनको टेलीविज़न और प्रेस पब्लिसिटी मिलेगा, वैसे उनकी जो मेमोरेबिलिया है उसके जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। सो आई थिंक इट्स वेरी मच सनराइज इंडस्ट्री। मैंने अभी एक
नई फिल्म बनाई है. आई हैव प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड इट. इट्स अबाउट द यंगेस्ट गर्ल इन हिस्ट्री टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. 13 साल की लड़की है. फिल्म का नाम है पूर्णा. इट्स अ बायोपिक. तो अभी बहुत सा एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है एंड वी आर लुकिंग एट एन अप्रैल रिलीज. थैंक यू. थैंक्स. Well, I've identified a few things which are of really of deep interest to me. So that's, you know, that's why I'm carrying a paddle. Hopefully I can outbid the others. But if I get outbid, never mind. I think it's for a good cause. And I think there is some really exciting stuff here. The Champions Trophy teams of 2002, the captains of India, the cricket bat. Cricket is obviously a primary interest to me. But perhaps the most coveted will be Mary Kom's gloves from the 2012 Olympics. So I think, look, I think there has to be a sense of history and tradition in India which has been lacking, and these kind of events, these kind of activities help build up this, you know, feeling, this appreciation of sport, and creating a whole environment where sports is seen as something really worthwhile. And gloves is a stand apart in this auction. So I mean, you think there will be a lot of bidders for I would imagine it's the most coveted. I don't know how many will bid. I hope it goes for a very, you know, good price as it befits, as is befitting, because Mary Kom is an iconic figure and this is from the Olympics. But it's a very interesting collection, predominantly cricket, but I think that that's the way, you know, I mean, there has to be a, this is a starting point and it will take off from here. Yeah, apart from those collection of bats, anything particular you have, you set your eyes on? There is a memorabilia with Michael Schumacher and Sachin Tendulkar together having autographed it. So that's something that, you know, I've been eyeing, and let's see how it goes. So how do you see the concept of having auctioning sports memorabilia? It's kind of a nascent concept. You know, it doesn't happen too often there. I think sports awareness is growing in India, and I think these are activities which will imagine mushroom. Some of them will become really big, and so that it shows the growth and awareness of sports in India. We, as I mentioned earlier, that we've not been a country very renowned for a sense of history or a deep enough sense of history, you know. So we've not, a lot of our information and knowledge and everything else is locked up in our minds, not in things. I think this will change. What's your idea of Kathiawada holding this auction over here? I think it's damn good for somebody as young as Digvijay to be involved. Somebody who's so passionate about sports is in itself a great, you know, a great thing. Okay, thanks so much, Ayaz. Thank you.